खुट्टा करी माया होती। देखो देखो तो ओलेक्स पे डाला था और एक कस्टमर इंटरेस्टेड है। हाँ जी गाइस, शुरू करते हैं अपना एक नया व्लॉग। आज हो गया थोड़ा लेट, हम लोग अभी शाम को शुरू कर रहे हैं व्लॉगिंग। अभी जाएंगे थोड़ा बाहर, आज हमारे पास मोहल्ले में ही पास में एक शोरूम खुला है स्निच करके, कपड़ों का शोरूम है। तो मेरे ख्याल से कल ही ओपन हुआ है, कल या परसों में, तो जा करके देखेंगे किस तरह के कपड़े हैं, किस रेंज में हैं। और हम जाएंगे, गुड्डा जाएंगी एज यूजुअल, और गुड्डा की मम्मी हो रही है तैयार। गुड्डा गुड इवनिंग कर लो। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। इस व्लॉग को करते हैं शुरू। चलिए करते हैं शुरू। तो शाम हो गई, हम लोग अब बिल्कुल रेडी हैं निकलने के लिए। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, पैदल ही जाना है, कोई ऑटो टैक्सी कैब वगैरह नहीं करना है। चलो जी, इधर देखो, तुम कैमरे पे हो। ओ, हम लोग जा रहे हैं स्निच। ये आई थिंक आज या कल में ही खुला है, एंड स्निच मेरा क्लाइंट भी रह चुका है। लाइक जहाँ मैं वर्क करती हूँ वहाँ पे ये मेरा क्लाइंट रह चुका है, अभी भी है, बट इतना वर्क अभी हो नहीं रहा है इसमें। सो काफ़ी अच्छा क्लाइंट है इसमें। मोस्टली हमने जो वर्क करवाया था वो करवाया था मेन फैशन वेयर का, एंड मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, जस्ट दिखा रही हूँ। ये गुड्डा ने सही इन्फॉर्मेशन दी कि सामने ही है, एकदम शोरूम के सामने ही ये जूस कॉर्नर है। गुड्डा और मैं पीऊंगी एप्पल शेक। ओके, एंड आप क्या पियेंगे? हमने कीवी ऑर्डर किया है, लास्ट टाइम भी हमने कीवी किया था, अच्छा था। एंड मैंने ऑर्डर किया है कोल्ड कॉफी। और मेरा ये कीवी, कीवी शेक लास्ट टाइम बहुत अच्छा था, इस बार भी बढ़िया है। तो आइस ज्यादा डाल देता यार ये। Yes. What? Tell me. Nothing. कलेक्शन काफ़ी अच्छा है और यूनिक है। जितने भी इधर हमने रिसेंटली आउटलेट विजिट किए हैं, एक वहाँ पे हम लोग कहाँ गए थे जो उसमें है कोरमंगला में, वेस्ट साइड में अच्छा है कलेक्शन, वो भी अच्छा है, लेकिन शर्ट का कलेक्शन यहाँ बहुत अच्छा है। क्वालिटी ही एकदम डिफरेंट है। तुमने कहाँ कहाँ साल कर लाए हैं? अलग टाइप का है यार। हाँ, टेक्सचर अलग है लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। मतलब प्राइस नॉर्मल है, ना बहुत सस्ता है ना बहुत महंगा है, नॉर्मल। जैसे कि ये शर्ट है, दिस इज़ फॉर 1200। हम सामने अभी भी मोस्टली सब 1200 के ही। इस लेज़र का प्राइस है 400। चलो जी, घूम लिया हमने स्निच के शोरूम को, लेकिन एक चीज़ तो है बहुत बढ़िया, नो डाउट, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। मतलब अभी तक मैंने केवल इसके वीडियोस एड्स करवाए हैं, प्रमोशन करवाए हैं, तो मुझे पता था इसका कलेक्शन बहुत अच्छा है, बट आज मैंने रियल में देखा है और काफ़ी अच्छा कलेक्शन। और लेकिन यहाँ डिसाइड हो गया कि 3-4 कपड़े लेना है।
तेलंगाना की नहीं आती, तेलंगाना की हाँ आती आती है, एक सेकंड, तेलंगाना की हैदराबाद। अच्छा तो आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश जो प्रपोज्ड है अभी बनेगी, अभी भी आंध्र प्रदेश जो है ना कैपिटल अपना शेयर करता है। आंध्र प्रदेश का तो हमको बिल्कुल भी नहीं पता। अभी पता अभी आंध्र प्रदेश अपना कैपिटल शेयर करता है हैदराबाद से, हमको पता लेकिन है। लेकिन बनने वाली है कैपिटल आंध्र प्रदेश की, हमको पता है। अंडर कंस्ट्रक्शन है, बताओ। हाँ बताओ, पटना। अरे गुड्डा तुम छोड़ो, तुम सब भूल चुके हो, और पूछो आप जल्दी, बताओ क्या है। नहीं आता मुझे। उसका बनने वाला है अमरावती। इजी थोड़ा, गुड्डा कह रही मायावती। गुड्डा क्या कही? मायावती। गुड्डा अमरावती भाई, मायावती। बेटा मायावती कोई कैपिटल है? अच्छा तुम उसका बताओ, गुजरात की कैपिटल बताओ। गुजरात की है, गुजरात के वैसे बोले जाने लगे, आपको पता है आपका कुछ। गुजरात की है पापा, गुजरात की नहीं आता। गांधीनगर, ये तो बिल्कुल दिमाग में था ही नहीं दूर। और पापा, जम्मू एंड कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर की ठीक है, चल रहे एक राउंड मार के नहीं पता। श्रीनगर, श्रीनगर हाँ आती थी। और अच्छा तुम ही बताओ, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? केरल में बोली जाती है मलयाली। ठीक है, मलयालम बोलते हैं। अरे भाई मलयालम, मलयाली बताओ, बताओ कि तेलंगाना में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तेलंगाना में बोली जाती है वो तमिल, एक सेकंड, तेलुगु। और तो फिर आंध्र प्रदेश में? आंध्र प्रदेश में भी तेलुगु। अरे वाह। और कर्नाटक में? कन्नड़। अब यहाँ तो पता ही होगा। और तमिलनाडु में? तमिलनाडु में तमिल। अरे वाह, थोड़ा आ गया है साउथ में रहने की वजह से, थोड़ा साउथ का भी मैं जान गई, अदरवाइज मुझे कुछ भी नहीं पता था। सही है, सही। अच्छा बताओ, ऊटी जो है वो किस स्टेट में आता है? ऊटी आता है देखो देखो, ऊटी बाद में आएगा, तुम जमीन पे पहले पड़ी मिलोगी। ऊटी आता है उसमें तमिलनाडु में। हाँ ठीक है, सही है ना? हाँ ठीक, सही, राइट आंसर। पांडिचेरी कहाँ आता है? पांडिचेरी आता है वो उस किसी में नहीं, स्टेट में आता है, बिकॉज वो एक अलग क्या है, क्या बोलते हैं उसको, हिंदी का वर्ड नहीं आ रहा मेरे दिमाग में। हिंदी की इंग्लिश नहीं आ रही है ना, हिंदी और ना इंग्लिश। यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है, मतलब वो एक राज्य है, समझ गए? गॉट इट। जस्ट लाइक, बट मैंने सही बताया ना। हाँ या श्योर। या श्योर। और कुछ गोवा की बताओ। गोवा की पणजी, पणजी जिसको आप कह सकते हैं। हाँ तुम गई हो ना? हाँ गोवा क्या, जहाँ जहाँ मैं गई हूँ केवल उसका मुझे पता है। और कुर्ग जो है कौन से स्टेट में? कुर्ग अभी तो है, दिमाग से निकल गया। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ये कर्नाटक में ही आता है ना? मैं आपसे पूछ रही हूँ, बता रही हूँ। हाँ कर्नाटक में। और वायनाड? वायनाड इस केरल। केरल या दड़ा दड़ा, मैं अभी साउथ स्ट्रॉन्ग बेटा, तो करके ना चक्कर मारते हैं। मैं अभी साउथ साउथ के मतलब ये इधर का सब स्ट्रॉन्ग हो रहा है। The next day. हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है संडे और मैं चलनी मूवी गुड मॉर्निंग। हाय। क्या गुड 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 इवनिंग बोल रही हो तुम? गुड मॉर्निंग में क्या बोल रही हो? सॉरी गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह उठते उठते गुड्डा मूवी लगा दी अपनी। गुड्डा तुम्हारी फेवरेट मूवी है क्या ये? कौन सी मूवी देखे इधर तुमने? कहाँ देखा था सबसे पहली बार? ये जब न्यू मूवी आई थी तुमको थिएटर में लुल्लू मॉल में दिखाया था मैंने, याद है? लुल्लू मॉल लखनऊ में दिखाया था मैंने, याद है? मम्मी क्या कर रही हैं आपकी? मेरी मम्मी बना रही खाना और पापा की मैं बहुत शिकायत करती हूँ भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। अब ब्लॉग को करते हैं शुरू। तो ये कुछ तैयारी चल रही है। ये आलू का इतना पतला पतला काट रही हूँ।
पकौड़ी बनने का प्लान है क्या? यस। प्याज आलू की पकौड़ी, और इसमें उबला है मटर, आज बनेगा पानी की बताशे। पानी की बताशे, पानी पूरी, और बंगाल बिहार में बोलते हैं पुचका। ठीक है, तो बढ़िया है ये तो। तुम राउंड राउंड काट रही है, राउंड ही कटते ना। ठीक है, ये ऑलमोस्ट प्याज वगैरह कट गया है। और आपको ये था बेसन, चाय बनेगी। ठीक है जी। 2 hours later. तो मटर उबल चुकी है। मटर उबलने के बाद ये जीरा से और तेल से और हींग से छौंका लगा रहे हैं, और ये रेसिपी देख रहे हैं कि पानी पूरी का पानी कैसे बनता है। वैसे पता है लेकिन फिर भी एक बार याद देख लेते हैं ना तो याद हो जाता है कैसे क्या करना है। और ये रहा बना बनाया ऑलरेडी रेडीमेड ये बताशे। हाँ, ये सूजी बताशे है ना। तो इनको क्या करना, सीधा सिंपल आप फ्राई कर लो। अरे देखो इतना टेस्टी तो नहीं लगता है लेकिन काम चलाऊ है। ठीक है, काम चलाऊ ही है। 10 में 6 नंबर। देखो जिस तरीके से दिखने में सुंदर लग रहे हैं ना, अगर ये खाने में भी अच्छे लगे तो यार फिर तो पैसा वसूल दे। लेकिन कुछ लोगों को यही पसंद होता है, हम लोग को नहीं पसंद है। यूपी वालों को ये नहीं अच्छा लगता है, बट कुछ लोग यहाँ के बैंगलोर लोग स्पेशली इसको खरीद के खाते हैं। ये तो मजबूरी है ना, जो वाले मिलते नहीं है। और मिलते भी तो हैं, क्वालिटी उसकी भी बहुत ही खास नहीं होती है। तो गाइस देखिए, हम लोगों ने बना के तैयार कर लिए हैं ये, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटर बॉल्स, और पानी पूरी, पानी के बताशे जैसे हमारे यूपी में बोलते हैं इसको। तो ये थोड़ा सा टफ टास्क है, लेकिन गुड्डा जी ने आज हमको ना टास्क दिया था कि आप आज आपको बनाना है कैसे भी करके। तो ये तो रेडीमेड आते हैं, इनको तो मैंने दिखाया आपको कि कैसे इसको फ्राई कर सकते हैं आप। मेन टास्क है ये पानी बनाना, और ये जो है मटर बनाना। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो फिर ये टेक्सचर नहीं आएगा मटर का। भाई हम तो खा चुके हैं बताशे। और तो एक पता है कोइंसिडेंस बताएं, देखो हम लोग बताशे खा रहे हैं, और ये देखो ये वीडियो चल रहा है लखनऊ का 1090 गली, और ये है डेली मैक्स का चैनल। वो भी पानी पूरी खा रहा है, वो तो पानी पूरी खा रहा है टीवी में। ये है कोइंसिडेंस। लेकिन एक चीज है, अगर कभी भी कुछ रोड साइड वाला जैसे खाना था, चाट वगैरह है ना, चाप चाट चाट बतासे चाउमीन चाइनीज व्हाटएवर है ना, जो भी खाना है, ये गली मतलब लखनऊ की बेस्ट गली है। नो वन कैन बीट यूपी चाट। ये बात तो सही है यार। देखो हमने हर जगह का टेस्ट कर लिया, लगभग लगभग पूरे इंडिया का टेस्ट कर लिया, पूरे इंडिया का टेस्ट कर लिया। तो यूपी और यूपी में खास कर लगता है लखनऊ और बाराबंकी वाली जो बेल्ट है, ठीक है, तो उससे अच्छा टेस्ट कहीं नहीं मिला स्ट्रीट फूड में। एक अपडेट देते हैं, मेरे पास एक कूलर अभी मैंने लिया था, ये कूलर पड़ा हुआ है, ये देखिए। तो अभी ये इसको एक महीना भी नहीं हुआ लिए हुए, क्योंकि ये हल्की सी बैंगलोर में ना गर्मी हो गई थी, मेरे ख्याल से अप्रैल एंड तक काफ़ी गर्मी हुई है, और मई में भी गर्मी रही है एक हफ्ते पहले तक। अब मौसम इतना ठंडा हो गया कि देखिए पंखा बंद है यहाँ पे, ठीक है, और नॉर्थ इंडिया वाले तो इसमें कूलर एसी सब चला रहे होंगे। तो हमने इसको डिसाइड किया कि इस कूलर को अब कोई काम नहीं है, देखा जाए पूरे साल कोई काम नहीं है, तो इसको अब हम सेल कर देंगे। तो ओलेक्स पे डाला था, और एक कस्टमर इंटरेस्टेड है, क्योंकि अभी ये 20-25 दिन का ही कूलर है, तो इसको सेल कर देंगे और ले जाएगा अपना यूज़ करेगा, शायद उसको शॉप वगैरह भी यूज़ करना है। ठीक है, देखो ये एकदम नया कूलर है बेटा, हटो जरा दिखा दें, एकदम नया कूलर है, अभी 20 दिन का ही हुआ है। लेकिन ऐसे पता है जब नॉर्थ इंडिया के लोग वीडियो देखेंगे, अभी इस समय वहाँ पे अराउंड 43-45 डिग्री है, और यहाँ पे 23। हाँ, यहाँ पे 22-23 डिग्री है, रात में तो 20 डिग्री हो जाता है। तो जब हम एसी चलाते हैं तो 24-25 डिग्री चलाते हैं, मतलब यहाँ बिना एसी के ही मौसम ठंडा है। तो कूलर गया, अभी वो लेके गया, कोई राजस्थानी था जो कि कूलर लेके गया। तो दोस्तों हम चलिए व्लॉग को रखते हैं यहीं तक, आज की एक्टिविटी हमने आज लगभग सारी एक्टिविटी दिखा दी है। बेटा बाय कर लीजिए। बाय गाइस। आप बाय कर लीजिए। बाय। और मेरी तरफ से आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमारा अगला व्लॉग आने तक कहीं ना कहीं व्यस्त रहें। टेक केयर, बाय बाय।